भगवान में निष्ठा नहीं रखते, ऐसे लोगों के गति क्या होती है मुझे वो बताओ, और गति के साथ साथ इनके लक्षण भी बताना जो हरि विमुख होते हैं। हरि विमुख को अगर दूसरी भाषा में मैं कहूं तो ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। हरि विमुख मतलब तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति नहीं है, ऐसा नहीं। ठाकुर जी भी तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम ठाकुर जी हरिप्रिय भी नहीं हो, यह बात कही जा सकती है। तो जो हरिप्रिय नहीं है, जो हरि विमुख हैं, उनके लक्षण क्या हैं ये भी मुझे बताइए, और उनकी गति क्या होती है ये भी मुझे बतलाइए। बंधुओं, आज के इस विषय को सुनिएगा, और यहां पर बताए हुए गति को तो चलो सब लोग जानते हैं कि जो हरि विमुख हैं वो उसको नरक जाना पड़ता है आदि आदि, और भी दो चार गतियां बताई हैं वो सुनेंगे हम, लेकिन जो लक्षण यहां बताए जा रहे हैं ना, आज तक अगर इनमें से एक भी लक्षण था तो क्षमा हो गई, लेकिन यदि अब ये लक्षण आगे रहे तो सोच लेना कि ठाकुर जी आपसे प्रेम नहीं करते, आप ठाकुर जी के प्रिय नहीं हो। इसलिए इस विषय को बहुत ध्यान से सुनना, और इसका उत्तर दे रहे हैं चमस योगेश्वर, और वे कहते हैं राजन तुमने जो प्रश्न किया है हरि विमुख लोगों की गति क्या है, हित्वा तयायास चरी चित्ता गृहापत्य सुहेच्छ्य तमो विचिन्त्यन्य चिन्तो वासुदेव परांमुख। जो लोग भगवान से विमुख हैं उनकी गति क्या है, नरक। कितने अभागे हैं वो लोग जो मानव देह प्राप्त करने के बाद भी ठाकुर जी के शरणागत नहीं होते। शरीरम स्वरूपम तथावा कलत्वम रतश्चार रुचिरम धनम मेरु तुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण पादारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर मिला है लेकिन उस शरीर से कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की। स्वरूप मिला है, रूप का मतलब एक प्रकार से गुण समझ लो, तुम्हें ठाकुर जी ने गुण प्रदान किए लेकिन उस गुण से कभी ठाकुर जी को सेवा अर्पित नहीं की। जब मैं छोटा था तो मेरी इच्छा रहती थी कि मैं बड़े होकर के गायक बनूंगा, ठाकुर जी कृपा से थोड़ा बहुत ठीक ठाक सुरीला गला है तो मैं इससे एक गायक बन जाऊंगा। लेकिन आज इस व्यासपीठ पर यदि बैठा हूं तो इसमें हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका बीच बीच में स्मरण करता हूं मैं कथा में, क्या बोले लाला गा के कितने ने रिझावे गो, ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख लोग रीझ जाएंगे लेकिन कल को तोते बढ़िया गावे वारो आगो फिर कहां जाएगो, और ये तो नियम है, कोई अच्छा आता है तो पुराने को जाना पड़ता है। लेकिन उनकी एक बात बड़ी भाई, वो बोले अपने गुण से संसारियों को मत रिझाओ, अपने गुण से संसारियों को मत रिझाओ, अपने गुण से श्री राधा रमण को रिझाओ, यदि वे रीझ गए तो संसारी अपने आप रीझ जाएंगे, संसारियों को क्या रिझाना। तो पे यदि गावे को गुण है तो पे स्वर यदि है तो वह स्वर से ठाकुर जी को प्रसन्न कर। अष्ट सखाओं के जो 8 सखा हैं ठाकुर जी के, वहां पर ऐसा भाव प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज के, ठाकुर जी की प्राप्ति में जप तप नियम आसन ये सब बहुत जरूरी है लेकिन उनमें एक बहुत विशेष एक और गुण है, क्या, स्वर। व्यक्ति जप से तप से आदि आदि श्रेणियों से ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकता है लेकिन यदि उसके पास स्वर गुण है तो वो स्वर गुण से और तीव्रता से प्रसन्न कर सकता है विराजन। भाव से श्रवण करो, स्वर से ठाकुर जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
यदि स्वर अच्छा है तो उससे ठाकुर जी को रिझाओ। तो हे भगवान, मुझे बताइए कि उन अभागों के लक्षण क्या है जो भगवत विमुख होते हैं। उनकी गति तो नरक ही है, वो नरक से नहीं बच पाएंगे, लेकिन उनके गुण क्या होते हैं मुझे वो भी बताओ। तब यहां पर गुण बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। कर्मण्य कुविदास्तप्था वदन्ती चाटुकान मूढ़ा यया मत्वा किरोत्सुका। बहुत ध्यान से सुनना। पहले पांच लक्षण बताए। पहला लक्षण क्या है? कर्मण्य कोविदा, भगवत मूढ़ व्यक्ति का, भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण है कि वो, उसको कर्म का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, कौन अकर्म है, कौन विकर्म है, ये सब उसकी जानकारी में नहीं होता। पधारे जय। हाँ विराज जाए, यहां विराज जाए, ऊपर आ जाए। कर्मण्य को विदा, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरुदंड सीधा करके बैठो, बिल्कुल ध्यान से श्रवण करो। भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण क्या है? वो कर्म के प्रति ज्ञान नहीं रखता, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दो बातें हैं, एक तो कहते हैं भोलापन, भोलापन वाली बात नहीं हो रही यहां पे। जैसे कि कल भोंदू की कथा अधूरी रह गई थी, बापू आ गए थे, भोंदू बेचारा वो रोटी अपनी ठाकुर जी को खवा दी, वो पूरी कथा है, अब उसमें बाद में जाऊंगा। लेकिन एक होता है बिल्कुल सरल स्वभाव, सरल भाव में, सहज भाव में आपसे जो होता है वो प्रेम भाव है, उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, उसको ठाकुर जी फिर दोष नहीं मानते। दोष का मतलब क्या है? आप जानते हो, आपने कथा में कहीं पर सुन लिया कि ये नहीं करना चाहिए, माता पिता कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, इसको त्याग दो, लेकिन फिर भी इतनी जगह से सुनने के बाद भी, इतने गुरुजनों की आज्ञा के बाद भी उस क्रिया को जबरदस्ती करते हैं, ये भगवत विमुख व्यक्ति का पहला लक्षण है। अदबद के करते हैं, जिद में करते हैं, क्योंकि दूसरा लक्षण यही है। क्या? स्तब्धा। स्तब्धा मतलब जिद्दी होते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। पहला लक्षण क्या है? कर्म ज्ञान नहीं होता। दूसरा लक्षण भगवत विमुख का है, वो जिद्दी होते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिद्दी स्वभाव के होते हैं। कई जगह कथा होती है महाराज, तो यजमान कहते हैं मंच पे बांस लगाओ। क्यों लगाएं? बोले हमने महात्म्य सुना है कि वो धुंधुकारी जो था बांस में आकर के बैठा था, 7 दिन सुन के बांस की एक एक ग्रंथि फटी थी, तभी जो है उसको मुक्ति मिली थी, और वो ऐसे ही होना चाहिए, तो आप भी लगवाओ। हम कहेंगे अरे भाई ठीक है, धुंधुकारी के समय की वो बांस लगाया नहीं था, कथा में ही पंडाल में बांस था तो उसी में आके बैठ गया था, क्योंकि भागवत के महात्म वर्णन है कि कथा का वेग इतना था कि वो धुंधुकारी की आत्मा टिक नहीं पा रही थी, कथा में रुक नहीं पा रही थी, तब वो बांस में जाके बैठा। और 7 दिन की कथा सुनने से एक एक ग्रंथि, उसकी ग्रंथि बांस की नहीं फट रही थी, उसके जो पापों की ग्रंथियां थी वो फट रही थी। अरे महाराज आप तो यूं कह रहे हो, पिछले व्यास आए थे उन्होंने तो लगवाया था, और जिद करके महाराज मांस लगवा ही लिया।
मैंने भी दूसरे दिन जिद करी, मैंने कि एक दिन की कथा हो गई, ग्रंथि क्यों नहीं फटी इसकी, इसका मतलब तुम्हारे पितृ मुक्त नहीं हो रहे। मैंने 7 दिन में अगर ये बांस नहीं फटा तो तुम तो मुझे दोष दोगे कि आपने ऐसी कथा सुनाई कि हमारे पितृ मुक्त ही नहीं हुए। जिद्दी, ये भगवत विमुख व्यक्ति का दूसरा लक्षण है। पहला लक्षण कर्म ज्ञान नहीं है, दूसरा लक्षण स्तब्धा जिद्दी, और तीसरा लक्षण क्या बता रहे हैं, मूर्खा पंडित मानिना। होते तो मूर्ख हैं लेकिन दिखाते ऐसा है कि बहुत विद्वान है, बहुत अपने आप को पंडित दिखाते हैं, ज्ञानी बताते हैं, हम बहुत जानते हैं, जानकारी कुछ भी नहीं है लेकिन अपना रहन सहन करनी चलनी फिरनी ऐसी रखेंगे कि उनको देख के लगेगा इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, इनसे बड़ा जानकार कोई नहीं है। इस भाव का इस प्रकार ये तीसरा लक्षण है भगवत विमुख व्यक्ति का। चौथा लक्षण क्या है, वदंती चाटुकान मूढ़ा। चापलूसी करते हैं भगवत विमुख व्यक्ति, जैसे दिख जाएगा कि हाँ ये बहुत धनवान है या ये बहुत अच्छा है श्रेष्ठ, इसका बहुत सब जगह खूब नाम है, तो उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं। ये उसका चौथा लक्षण है, उसके पीछे पीछे घूमेंगे कि हाँ इसके संग रहने से हमारा हमारा भी यश होगा, हमारा भी नाम होगा, हमारा भी खूब सब लोग जानेंगे कि अरे इनके कहने से ही सब काम होते हैं, इनसे ही सब कुछ होता है। ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण। और यया माध्वा गिरोत्सुका, पांचवा लक्षण बताया, उनको ज्यादा कथा सुनने आदि में रुचि नहीं होती, तो काय में रुचि होती है, बोले कंचन कामिनी की चर्चा में बहुत रुचि होती है। जहां पर ये चर्चा चल रही हो पैसा कैसे कमाया जाए, कहां से पैसा आ जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़े, और कामिनी तो आप सब समझ ही गए हो, इस तरीके की चर्चाओं में जिनकी बहुत रुचि होती है, ये भगवत विमुख व्यक्ति का पांचवा लक्षण है। मैंने एक बात शुरुआत में ही कही कि ये भगवत विमुख व्यक्तियों के लक्षण हैं, और तो और ये उनके भी लक्षण हैं जिनको हरि प्रिय नहीं समझते, जिनसे ठाकुर जी प्रेम नहीं करते। स्नेह कर सकते हैं लेकिन प्रेम नहीं कर सकते, अपना नहीं बना सकते ठाकुर जी। तो कौन कौन से लक्षण हुए, पहला लक्षण कर्म का ज्ञान नहीं होता, दूसरा लक्षण जिद्दी होते हैं स्तब्धा, तीसरा लक्षण होते तो मूर्ख हैं लेकिन दिखाते क्या हैं, बहुत विद्वान हैं, बहुत पंडित हैं, बहुत ज्ञानी हैं। चौथा बताया चापलूसी करते हैं, और पांचवा बताया कंचन कामनी की बातों में उनकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। और इतना ही नहीं, फिर आगे और बता रहे हैं और कौन कौन से गुण होते हैं, रजसा घोर संकल्पा कामुका हिमन्यव दंभिका मानिनी पापा बिहसन त्यच्युत प्रिया। रजसा घोर संकल्पा, रजोगुण प्रवृत्ति होने के कारण भयंकर डरावने संकल्प लेते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। कैसे संकल्प लेते हैं, अभी जाता हूं क्या करेगा, बोले कि उसने उसने जो है मेरे भाई को गाली दी, तू क्या करेगा, बोले मैं जाके उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा,
लगी शर्त, बोले शर्त लग 500 की, उसका गला काट के आऊंगा, उसको बीच रस्ते में थप्पड़ मार के आऊंगा, उसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, ऐसे डरावने संकल्प लेते हैं भगवत विमुख व्यक्ति। तू जानता नहीं है अभी मुझे कौन हूं मैं, पूछ लियो यहां किसी से भी कि मेरा मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है। इस प्रकार से डरावने डरावनी बातें करते हैं, संकल्प करते हैं अपने रजसा प्रवृत्ति होने के कारण। ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण है। भगवत प्रेमी व्यक्ति वो ऐसी परिस्थिति में कभी ये नहीं कह सकता कि तू मुझे अभी जानता नहीं है, मैं तुझे देख लूंगा, मैं कौन हूं मैं क्या हूं, इस तरीके की बातें कभी भगवत प्रेमी व्यक्ति के मुख से नहीं निकल सकती। ये तो भगवत विमुखी ही होता है। घोर संकल्पा, भयंकर घनघोर डरावने संकल्प लेता है, ऐसा कर दूंगा ये कर दूंगा, होता कुछ नहीं है उससे। एक व्यक्ति बैठे थे चार पांच लोग, तो एक कह रहा बोले मैंने जो है एक आदमी को इतना मारा, वो बोला एक मैंने इसको इतना मारा, एक दूसरे की सुन सुन करके कह रहे थे, जिसने ज्यादा लोगों को मारा होगा वो ज्यादा श्रेष्ठ। एक बोला वो तुमने तो केवल मारा, मैंने तो इतने लोगों को जान से खत्म कर दिया। कितने? बोले 1500। बोले 1500 लोगों को जान से मार दिया? बोले हाँ बिल्कुल खत्म। बोले तू अभी तक फिर जिंदा क्यों, तू अभी तक जेल क्यों नहीं गया? बोले 1500 मच्छर मारे थे मैंने, आदमी नहीं मारे थे। घोर संकल्पा, ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण है। काम का सदैव जिनके हृदय में केवल और केवल काम वासना ही विद्यमान रहती हैं, उठते बैठते जागते सोते हंसते खाते पीते हर स्थिति में कभी भी इस स्थिति से जो दूर नहीं होते हैं, ये भगवत विमुख व्यक्ति का लक्षण है। और अहिमन्यवाह, सर्प के समान क्रोधी होते हैं भगवत विमुख लोग। सर्प का क्रोध कैसा होता है? उसके ऊपर किसी ने यदि पांव रख दिया तो वो ये विचार नहीं करेगा कौन है, तुरंत तत्क्षण डस देगा, इतना क्रोधी होता है सर्प। ऐसे ही भगवत विमुख व्यक्ति उस सर्प के समान क्रोधी होते हैं, इतना भयंकर क्रोध उनके भीतर व्याप्त रहता है। किसी व्यक्ति के चार बालक थे, दूसरे व्यक्ति ने चारों बालकों को देख के कहा अरे भाई कितने प्यारे हैं ये चारों तुम्हारे बच्चे हैं, तो क्रोध में बोलता है पांच होते तो तू क्या कर लेता, हाँ है मेरे चारों। सदैव क्रोध की अग्नि में जलने वाला व्यक्ति वो भगवत विमुख व्यक्ति है, भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। अहिमन्यवा और दंभिका मानिन, भगवत विमुख व्यक्ति का अभी तक कितने गुण हो गए? नहीं, सात गुण हो गए है ना, ध्यान से सुना करो। सर्प के समान क्रोधी होता है, आठवां लक्षण बता रहे हैं दंभिका मानिन। दंभ करके जो दूसरों के हृदय में एक प्रतिष्ठा पा लेता है, समझ रहे हैं? वैसे तो बालक को खिलाते रहेंगे गोद में, लेकिन जैसे दिख जाएगा कोई आ रहा है तुरंत उस बालक को दूर कर देंगे, माला लेके हाथ में बैठ जाएंगे। हम तो भजन करते हैं, हम तो नित्य भजन में ही रहते हैं, सवा लक्ष माला रोज करता हूं, नाम जप के बिना तो मेरा काम चलता नहीं। सुबह सुबह कोई मिलने जाए बोले महाराज जी आपको प्रणाम, हमें था कि आप कहीं विश्राम में ना हो इसलिए हम थोड़ा देरी से, नहीं मैं तो सुबह उठ गया था 3:15 बजे, 3:15 बजे से ही नारायण भगवान से मेरा कनेक्शन चल रहा था, उन्हीं का स्मरण कर रहा था मैं। इस प्रकार से जो दंभ फैला करके दूसरों के हृदय में अपना मान प्रतिष्ठा बनाने का प्रयास करते हैं,
हरि विमुखा, वो हरि विमुख लोग हैं। ये आठवां लक्षण। नौवां लक्षण क्या है? दंभिका मानिनः विहसन त्यच्यत्युता प्रियान। अच्युत के जो प्रिय हैं, भगवान के जो अति प्रिय हैं, ऐसे भगवत प्रियों का जो मजाक उड़ाते हैं, ये भगवत विमुख लोगों का नौवां लक्षण। एक लक्षण हमने गिना नहीं बीच में, काम का है। इस प्रकार 10 लक्षण हैं टोटल, 2 श्लोकों में चमस योगेश्वर ने बताए हैं। इन 10 लक्षणों को बताते हुए कहते हैं कि जो इन 10 लक्षणों से युक्त है, या तो वो भगवत विमुख है, या फिर वो भगवत सन्निधि में रहने के बाद भी भगवत प्रिय नहीं है। वो भगवत सन्निधि में भी क्यों रह रहा है? दंभ की वजह से रह रहा है, अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए जा रहा है, वो भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। इसलिए भूल करके भी यदि इन 10 में से कोई लक्षण यदि आ गया हो, तो बद्रीनाथ में उसकी तिलांजलि दे करके जानी है।